आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 9 जून हो चुकी है। पिछले 8 दिनों में मानसून ने अलग अलग एरिया में प्रगति की है। पूर्वी भारत में मानसून वहीं का वहीं टिका हुआ है जहां 31 मई को है, और आगे भी हमें 3-4 दिनों तक कोई भी प्रोग्रेस पूर्वी भारत में दिखाई नहीं दे रही। यानी पूर्वी भारत को अभी मायूसी हाथ लगेगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल नहीं होने वाला है, लेकिन जो दक्षिण भारत है वो मूसलाधार बारिश देखेगा और मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो इंटेंस वेदर एक्टिविटी है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण साउथ कोकरण गोवा, साउथ मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ कोस्ट ऑफ कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नगिरी और गोवा, ये जो इलाके हैं, ये गोवा सहित जो महाराष्ट्र के जो मैंने आपको जिले बताए, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी। उसी तरह से जो होनावार, कारवार और बेलगावी और शिमोगा, ये जो इलाके हैं कर्नाटक के, ये भी मूसलाधार बारिश अगले 2 दिनों के दौरान देखेंगे। जलभराव हो जाएगा, जगह जगह पानी भर जाएगा, लोकल फ्लडिंग हो जाएगी, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही अलर्ट हो जाए। आप सबको हम स्काईमेट की तरफ से रेड अलर्ट वार्निंग इस इलाके की दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और 2-3 दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। और अब चलते हैं बाकी इलाकों की तरफ। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब आपको मालूम है कि मानसून में बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो पहाड़ों पर बारिश की संभावना बहुत हल्की है। छुटपुट बौछारें देखने को मिलेंगी। कल हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो धूल भरी आंधी थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अभी अगर देखें हम तो पंजाब के कुछ इलाकों में अभी भी कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मौसमी गतिविधि आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा हल्की रहेगी, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मौसम लगभग साफ हो जाएगा और टेम्परेचर जो थोड़े बहुत गिरे होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से हरियाणा हो गया आपका, और दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र पूरा का पूरा अब एक तरह से शुष्क हो जाएगा। गर्मी यहाँ पर बढ़ जाएगी। पश्चिमी हवाएं, यानी कि गर्म और सूखी हुई पश्चिमी हवाएं एक बार फिर अपना यहाँ पर तांडव करेंगी, और जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर फिर से जाने की संभावना है। जो लू से थोड़ी बहुत राहत जो उत्तर भारत को मिली थी वो फिर से 3-4 दिन के लिए आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगा पश्चिम बंगाल पूरी तरह शुष्क और गर्म बने रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं देने वाली है। तो ये चिंता का विषय है कि यहाँ पर अभी जो गर्मी है बढ़ जाएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर जो ट्रफ बनी थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें 1-2 स्थानों पर पड़ सकती है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हुआ, ये सारा गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात हुई, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी भी हालांकि वेदर एक्टिविटी कम हो गई है, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। सिक्किम से लेकर के भूटान और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ये सारे इलाके हल्के से मध्यम बारिश देखेंगे। ओवरऑल जो यहाँ से आपका जो हवा का फ्लो था वो चल तो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है म्यांमार के पास। तो क्या होता है कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया या वेदर सिस्टम बनता है तो हवाओं के रुख को बदल देता है। वहां से जो हवाएं आ रही हैं वो इसी के आसपास कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 2-3 दिन के लिए कम हो जाएंगी। और ये उत्तरी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और म्यांमार है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। म्यांमार में भारी से अति भारी बारिश की संभावना आपको दिखाई देने वाली है। इस इलाके में मॉइस्चर को यहाँ के को ये पुल कर लेगा। अब अगर मध्य प्रदेश की और गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी भी दक्षिणी जो गुजरात है, नवसारी, नर्मदा, तापी, डांग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल गरज सकते हैं या बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन भुज है, द्वारका, नलिया, देवभूमि द्वारका है, मोरबी, जामनगर, राजकोट, बनसकांता, सवनकांता, महेशाना, इदार, पाटन, ये जो इलाके हैं सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी भी हवाएं थोड़ी सी समुद्र से आएंगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप अभी दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में बारिश हुई थी, जैसे कि बड़वानी है, अल्लाजपुर है, और ये जो इलाके हैं नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, ये जो इलाके हैं और जो देवास है, इंदौर, भोपाल, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। और उसी तरह से आगे की तरफ अगर चलते हैं तो बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मांडला, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको देखने को मिल जाएंगी।
अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ रायपुर से लेकर के सुकमा और दांतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, यहाँ पर हल्की बौछार देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सरगुजा है, अंबिकापुर है, यहाँ पर मौसम सूखा और गर्म बना रहेगा। और उसी तरह से झारखंड की हमने बात कर ली थी कि झारखंड में वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब एक बार फिर से जो खंड वर्षा है, थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको देखने को मिलेगी। संबलपुर है, देखनाल है, मयूरभंज है, इन इलाकों में और गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं, छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखेंगे मिलेगी, यानी गर्मी से छुटपुट राहत मिलेगी। अभी कोई ज़्यादा बड़ी राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब चलते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र का, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मुंबई, थाने, दहानो, यहाँ पर अब मानसून की दस्तक कभी भी हो सकती है। बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। लेकिन पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। सबसे ज़्यादा हैवी रेन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दो दिनों तक रहेंगी। जलभराव हो सकता है, रेड अलर्ट की सिचुएशन बन रही है। और उसी तरह से अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में बारिश की गतिविधियाँ कम ही रहेंगी। और ये जो है आपका नासिक, मालेगांव, जलगांव, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम और आगे चलते हैं, अगर हम ये बात करते हैं तो मेडक है और जो महबूब नगर है, रंगारेड्डी है और जो हैदराबाद, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ हैं। बाकी जो इलाके हैं वो आदिलाबाद वगैरह में छुटपुट बारिश हो सकती है। बाकी जो पूर्वी जो इलाका है इसका, तेलंगाना का, ये सूखा रहेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश लगभग ना के बराबर रहेगी। रायलसीमा में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक के मैंने बता दिया था कि आपको होनावार, कारवार, उडुपी और ये शिमोगा, बेलगावी, ये भारी से अति भारी बारिश, मूसलाधार बारिश देखेंगे। गड्डक, कोपल और धारवाड़ वगैरह में हल्की बारिश रहेगी। और बेंगलुरु, मैसूर, चिकमंगलूर, तुमकुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने वाली है। लेकिन केरल में बारिश की गतिविधियाँ लाइट टू मॉडरेट और एक दो हैवी स्पेल रहेगा। लक्षद्वीप के उत्तरी जो द्वीप समूह है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखाई देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीपों में भारी बारिश होगी। दक्षिणी द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी मानसून तेजी से महाराष्ट्र को कवर कर जाएगा, पूरे कर्नाटका को, पूरे आंध्र प्रदेश और पूरे तेलंगाना को कवर करते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में अब जल्दी ही दस्तक देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।